Hello guys, good morning and welcome back to the channel. Hope you are doing absolutely fine. So the time is right now 8:38 और मैं अभी घर से निकल चुका हूँ. मेरे साथ अभी एक बंदा है और दो बंदा मेरे साथ ऐड होने वाला है अभी थोड़ी देर में. तो एक्चुअली मुझे सडनली कुछ काम आ चुका है और मैं अभी जा रहा हूँ आज गुवाहाटी. जी हाँ, मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ और अपना गाड़ी लेके. तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा अपना कार लेके नॉर्थ ईस्ट जाने का. तो इससे पहले मैं 2018 में एक बार गया था, लेकिन वो बाइक लेके गया था और उस टाइम हम लोगों ने शिलोंग, चेरापूंजी ये सब कवर किया था. तो आज काम है गुवाहाटी में, तो इसी रीज़न से जा रहा है. उसके बाद देखते हैं कहाँ क्या एक्सप्लोर करते हैं. तो पहले ही मैं कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि हर बार ऐसा होता है ना, मैं बोलता कुछ हूँ और हो जाता कुछ और है, क्योंकि किस्मत साथ नहीं दे रहा है कुछ दिनों से, मतलब घूमने फिरने के मामले में. तो कब से मैं बोल रहा था कि मैं नॉर्थ सिक्किम जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट ही मुँह से निकल रहा है. तो कब से मैं बोल रहा हूँ कि मैं नॉर्थ सिक्किम जाऊंगा, लेकिन सब चले गए लेकिन मैं नहीं जा पाया ड्यू टू सम रीज़न. काम का प्रेशर बोलो और अकेले अकेले तो कहीं पे जर्नी करने का मन नहीं करता है, तो एटलीस्ट कोई ना कोई तो चाहिए होता है. तो क्या हुआ ना, मेरा जितना भी पार्टनर है, कभी उनका टाइम होता है तो मेरा टाइम नहीं होता है. एक्चुअली हर कोई काम पे बिजी है, तो ऐसा ही हो रहा है. अगर मैं चाहता तो मैं सोलो कर सकता था, लेकिन वही क्या मतलब है, एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई चाहिए बात करने के लिए रात को, एटलीस्ट होटल रूम में भी. तो एक्चुअली एटलीस्ट एक बंदा अगर रहता है तो ट्रैवल का एक मज़ा अलग सा आता है, क्योंकि आप पूरा दिन का जो फीलिंग होता है वो शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो. तो अकेले अकेले जर्नी करने का कोई मतलब नहीं है. तो अभी ऑलमोस्ट बात करते करते 8:40 हो गया, सो अभी लेट नहीं करते हैं, अभी फटाफट निकलते हैं. और एज़ पर गूगल मैप ये ऑलरेडी बता रहा है कि 7 घंटा लगेगा और रोड भी बीच में ख़राब है. तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, मिलते हैं सीधा रास्ते पे, चलो. तो दोस्तों ऐसा है ना कि बारिश स्टार्ट हो चुका है. एक्चुअली इसीलिए कार ले जाने का मतलब रीज़न यही है, नहीं तो मैं बाइक से ही कर लेता, क्योंकि मुझे कार से ज़्यादा बाइक में ज़्यादा मज़ा आता है. लेकिन क्या ना, मानसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और आसमान का कोई भरोसा नहीं है. थोड़ा बाहर दिखा, एज यू कैन सी कितना बारिश हो रहा है. देखो जैसे ही मतलब घर से निकला ना, जैसे ही घर से निकला बस शुरू हो गया बारिश. तो जनवरी में या फरवरी में मैंने गाड़ी में नया टायर डलवाया है, तो गाड़ी फुल सेट है कोई भी लॉन्ग टूर करने के लिए. और मेरे गाड़ी का 50,000 वाला सर्विसिंग भी थोड़े दिन पहले ही हो चुका है, तो गाड़ी भी फुल सेट है. और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मेरे गाड़ी का ऑडोमीटर देखो, 50,000 प्लस किलोमीटर चल चुका है. अभी चल रहा है 50,736. तो यार गाड़ी को मैंने बहुत भगाया है, बहुत भगाया है लास्ट 3 साल में. आई एम मोर देन एक्साइटेड दैट आई एम डूइंग नॉर्थ ईस्ट विथ माई कार. सो या इट्स आफ्टर 4 ईयर्स आज. फॉर्चुनेटली मतलब जो भी हो, काम से ही हो या बिना काम से ही हो, मैं जा रहा हूँ. देखो दोस्तों रोड का हाल, ये है रोड का हाल, हम लोग हाईवे है ये. सो दोस्तों अभी गाड़ी हो चुका है फुल पैक्ड अप, सब बंदे आ चुके हैं और हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हो चुका है विथ फुल फ्लेज में. और सामने देखो बहुत ट्रैफिक है, तो कछुए की स्पीड से जा रहे हैं हम लोग. और ये देखो ये एक बंदा है, ये शोभना है, ये पीछे मेरे जीजा जी है. और ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ दे रहा है, ये संदीप है और ये मैं हूँ. तो अभी हम लोग रुके हैं समर इन द मिडिल ऑफ द रोड, शंकर वैली एंड कॉम्प्लेक्स मल्टी मार्केट ऐसा बोलने की जगह है. तो यहाँ पे थोड़ा चाय पानी पियेंगे, फर्स्ट ब्रेक ऑफ आवर जर्नी, उसके बाद फिर निकलेंगे. ये मेरा गाड़ी इधर खड़ा है और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं. तो ब्रेक हो गया कंप्लीट, हम लोग का ब्रेक थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, नियर अबाउट 30 मिनट्स का तो ब्रेक हो गया. और अभी मोर 269 किलोमीटर टू गो और ये दिखा रहा है और 5.5 घंटा.
तो हो गया अभी ब्रेक कंप्लीट, तो निकलते हैं और मिलते हैं फिर रास्ते में। फर्स्ट फ्यूल ब्रेक, पूरा 40 लीटर पेट्रोल आया और चूना लगा 3850 रुपीस। तो यहाँ पे 10 रुपए पेट्रोल सस्ता है, चूना लगने तो मतलब 400 रुपए का बचत किया मैंने भैया। अभी पता नहीं पूरे ट्रिप में कितना चूना लगेगा पेट्रोल के पीछे। और सब सेठ लोग बैठे, इन लोगों से चंदा भी मांगना पड़ेगा कि भैया चंदा दो पेट्रोल का चंदा दो। निकला था आम, मिला खजूर। साला सबसे वाहियात रोड है ये, सबसे वाहियात। सोचा नहीं था कि इतना घटिया रोड होगा और इतना बैंड बजेगा। लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं ना, क्या बताऊ यार। साला कोई कुछ भी नहीं देखता है, कोई भी किधर से भी गाड़ी घुसा दे रहा है, ना हॉर्न मार रहा है ना ब्रेक मार रहा है। भाई ऐसे ही चल रहा है जब से चल रहे ना इस रोड पे, अभी तक नियर अबाउट मेरा चेहरा ठीक है 200 किलोमीटर हो गया है भाई, मैं पूरा परेशान हो चुका हूँ। एक तो साला वाहियात रोड है, ऊपर से साला किसी को चलाने का कोई मतलब तमीज नहीं है। क्या बताऊँ, देखो देखो इसको देखो, इंडिकेटर दे रहा है एक साइड में, चला गया कैमरा मैन। क्या कर रहे हो कंटेंट मिस कर दिया यार आपने। मोदी जी आपने कैसा रोड बनाया यार, साला सीट पे बैठ ही नहीं पा रहे हैं, खाली उछल कूद ऐसे ही कर रहे हैं, जब से चल रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं। चलो भैया चलो तुम आगे बढ़ो, जैसे ही गाली गलौज खत्म है ना, अच्छा रोड स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी टूटा फूटा है पर इट्स मैनेजेबल। सो दिस इज द सेकंड ब्रेक ऑफ द डे। हम लोग एक रोड साइड ढाबे पे रुके हैं, ढाबा का होटल है, यहाँ पे करेंगे लंच। राइस ले रहे हैं क्योंकि पूरा दिन ऐसे फास्ट नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा ना, गैस फॉर्म हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग राइस ले रहे हैं। और ये है कुछ यहाँ का इमेज, अभी पता नहीं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग का अभी तक गूगल मैप के वाइज अराइवल है 5:10, बट वो शायद लग रहा है कि 5:30 है। तो चलो होप फॉर द बेस्ट, आगे के देखते हैं होता क्या है। दोस्तों एक चेंज ऑफ प्लान है, तो हम लोग अभी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, मतलब गुवाहाटी को बाईपास करके हम लोग अभी जा रहे हैं शिलोंग। तो हम लोग का आज का डेस्टिनेशन होगा शिलोंग। एक्चुअली कंफर्म नहीं था इसीलिए पहले नहीं बताया, तो क्योंकि आज सैटरडे है अभी और डे ऑलमोस्ट ख़त्म, तो क्या है ना जो काम है वो आज नहीं हो रहा है, तो हम लोग शिलोंग जा रहे हैं घूमने के लिए, उसके बाद रिटर्न के टाइम पर काम करके फिर घर जाएंगे।